केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट विपक्ष, पूरे देश में विपक्ष करेगा विरोध प्रदर्शन, 11 दिवसीय विरोध प्रदर्शन आज से शुरू। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम आज, सीएम दिखाएंगे ग्रामीण बैंक की मोबाइल एटीएम वैन को हरी झंडी, बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली में मुख्यमंत्री करेंगे प्रतिभाग। बिजनौर में चोर ने चंद पैसों के लिए की बुजुर्ग की हत्या, बुजुर्ग महिला को मौत के घाट उतारकर फरार हुआ आरोपी, सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने चोर को किया गिरफ्तार। जालौन पहुंचे राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता, काना गौशाला का राज्य मंत्री ने किया उद्घाटन, सरकार की उपलब्धियों का किया बखान। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं खबरों के साथ। आज से 19 विपक्षी दल केंद्र सरकार के खिलाफ पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। ये विरोध प्रदर्शन पूरे 11 दिन का होगा और इस प्रदर्शन में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ समूचा विपक्ष एकजुट हो गया है। बता दें कि बीते शुक्रवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों की वर्चुअल मीटिंग बुलाई थी जिसमें 19 दल शामिल हुए थे। उस मीटिंग में ही ये देशव्यापी विरोध की बात तय हुई थी और इस वर्चुअल मीटिंग में विपक्षी दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने पर जोर दिया है। इन दलों के नेताओं ने केंद्र के समक्ष 11 सूत्रीय मांगों का चार्ट भी जारी किया और इस मीटिंग के बाद नेताओं ने एक संयुक्त बयान में कहा कि हम संयुक्त रूप से 20 से 30 सितंबर 2021 तक पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम 19 विपक्षी दलों के नेता भारत के लोगों से आह्वान करते हैं कि वो अपनी पूरी ताकत से अपनी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र व्यवस्था की रक्षा करने के लिए इस अवसर पर उठ खड़े हो, भारत को आज बचाएं ताकि हम इसे बेहतर कल के लिए बदल सके। तो बता दें आज से 19 विपक्षी दलों का केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू होने वाला है। हालांकि ये विरोध प्रदर्शन 10 दिन तक चलने वाला है, 11 दिवसीय विरोध प्रदर्शन है जो आज से शुरू होने वाला है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के 24 घंटे बाद कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का नाम तय कर लिया है। जी हां, चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं और सियासी गलियारों में नवजोत सिंह सिद्धू और सुखजिंदर रंधावा जैसे नामों की चर्चा चल रही थी, लेकिन भारी उलटफेर के बाद चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मोहर लगी। ऐसे में चन्नी पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री होंगे और कांग्रेस ने भले ही चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम की कुर्सी सौंप दी हो लेकिन यह सफर उनके लिए आसान नहीं होने वाला है। दरअसल 4 महीने बाद पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में चन्नी के सामने खुद को साबित करने से लेकर 2022 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी जैसी कई बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे में कांग्रेस पंजाब में नए चेहरे के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी जिसके चलते अमरिंदर की जगह दलित नेता चरणजीत सिंह को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई है। ऐसे में उनके कंधों पर कांग्रेस की सत्ता में वापसी कराना एक बड़ी चुनौती होगी। बता दें पंजाब में 4 महीनों के बाद ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विपक्षी दल चुनावी अभियान में जुटे हुए हैं। ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी को साबित करने के लिए महज 4 महीने का ही समय बचा है और इसमें उन्हें सरकार से लेकर संगठन के लिए कुछ कर खुद को साबित करके दिखाने की चुनौती सबसे बड़ी होगी। पंजाब में सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री पद से हटने के लिए मजबूर किए गए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भावी रुख का बीजेपी का इंतजार किया है। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कैप्टन की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को देशद्रोही बताए जाने पर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा से जवाब मांगा है। कैप्टन ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं मगर ये साफ है कि जिस तरह से उन्हें पद से हटाया गया है उससे वो आहत हैं और उनके सामने 3 विकल्प भी हैं। पहला, कांग्रेस में रहकर पार्टी को कमजोर करने की लड़ाई लड़ें, दूसरा नई पार्टी बनाकर मैदान में उतरे और तीसरा विकल्प बीजेपी में शामिल हो जाएं। ऐसे में पंजाब में सियासी घमासान के बीच कैप्टन की पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अलग अलग मुलाकात चर्चा का विषय बनी थी और इससे पहले किसान आंदोलन के जारी रहते हुए भी प्रधानमंत्री की कैप्टन से लंबी मुलाकात हुई थी।
एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को गुजरात दौरे से पहले बड़ा झटका लगा है। दरअसल ओवैसी साबरमती जेल में बंद आतंकी अहमद अतीक से मुलाकात करने वाले थे, लेकिन जेल प्रशासन ने मुलाकात की अनुमति देने से इनकार कर दिया। अहमदाबाद साबरमती जेल प्रशासन ने एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी की अतीक अहमद के साथ जेल में मुलाकात करवाने से इनकार कर दिया। प्रशासन का कहना है कि अतीक अहमद से परिवार के सदस्यों या फिर अपने आधिकारिक वकील से ही मुलाकात कर सकते हैं। ऐसे में नियमों के अनुसार ओवैसी की अतीक अहमद के साथ मुलाकात संभव नहीं है। ओवैसी आज बता दें सोमवार को एक दिन के गुजरात दौरे पर जाने वाले थे। साथ ही बताया जा रहा था कि वो वहां पर मुस्लिम समाज के नेताओं, सामाजिक संस्थानों के पदाधिकारियों से मिलने वाले हैं। इस दौरान उनका अहमदाबाद की सेंट्रल जेल में बंद उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन अतीक अहमद के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम था, लेकिन अब जेल प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। और ऐसे में माना जा रहा था कि ओवैसी इस दौरे के जरिए गुजरात से उत्तर प्रदेश में वोट साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब अतीक अहमद से उनकी मुलाकात को मना कर दिया गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम है। बता दें जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्रामीण बैंक की मोबाइल एटीएम वैन को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसके तहत मुख्यमंत्री रुड़की पहुंचने वाले हैं। वहीं मुख्यमंत्री बीजेपी ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भी भाग लेंगे। और इसके साथ दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री संत रविदास मंदिर भगवानपुर हरिद्वार भी पहुंचेंगे। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली में भी शामिल होंगे। तो ये वो तमाम कार्यक्रम हैं जिसमें मुख्यमंत्री भाग लेने वाले हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और ग्रामीण बैंक की मोबाइल एटीएम वैन का वो हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन करने वाले हैं। उत्तरकाशी में 2022 के लिए गंगोत्री विधानसभा में बीजेपी नेता सुरेश चौहान को बड़ा समर्थन हर क्षेत्र में मिलना शुरू हो गया है। लाल घाटी नाम से जानी जाने वाली गांजड़ा पट्टी में बीजेपी नेता सुरेश चौहान को बड़ा समर्थन 2022 को लिए मिला है। उनके समर्थन में सैकड़ों लोग धौलत्री पहुंचे और जहां उनका ढोल दमाऊ की धुन पर फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर उनके नेतृत्व में पूरे बाजार में बीजेपी के बैनर तले रैली भी निकाली गई। वहीं इस बीच एक जनसभा का आयोजन भी किया गया, जहां पर कांग्रेस से जुड़े कई लोगों ने सुरेश चौहान को 2022 का समर्थन देते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं क्षेत्र के कई युवा भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर बांदा चित्रकूट के सांसद आरके सिंह पटेल ने सरकार की तरफ से किए गए कामों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दें बांदा चित्रकूट के सांसद आरके सिंह पटेल का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार ने मिलकर पूरे प्रदेश में विकास किया है, जिसके चलते बुंदेलखंड को सबसे ज्यादा बजट देते हुए एक बड़ा संदेश दिया गया है। ऐसे में चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और हर घर जल और हर घर की सबसे बड़ी योजना की सौगात देने का ऐतिहासिक काम किया है। साथ ही सांसद ने यह भी कहा कि हर गरीब तबके के लोगों को उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यकाल रहा है 7.5 साल का कार्यकाल केंद्र का और 4.5 साल का कार्यकाल अपने उत्तर प्रदेश सरकार। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ से पूरे देश को, पूरे प्रदेश को संदेश देने का काम किया है। अपनी 4.5 साल की उपलब्धियों को उन्होंने बताने का काम किया है। उसी कड़ी में आज चित्रकूट जनपद में भी हम लोगों ने यहाँ पर अपने प्रभारी जिले के हैं, अपने माननीय विधायक जी हैं, अपने संगठन के लोग हैं, अपने जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जिला अधिकारी, धारे अधिकारी और आप लोगों के समक्ष हमने विस्तार से चर्चा करने का काम किया है। चित्रकूट जिला जो हमारा आकांक्षा जिला है, भगवान श्री रामचंद्र जी की तपोभूमि है। 12 साल इस वनवास के दौरान भगवान ने यहीं भी बिताए हैं। ऐसी इस तपोभूमि के विकास के लिए जो आकांक्षा जिला था हमारा, इसके भी सर्वांगीण विकास के लिए ऐतिहासिक काम हमारी सरकार ने 4.5 सालों में किया है।
पहुंचे भाकियों के प्रवक्ता राकेश टिकैत का जोरदार बाड़ापुरा गुरुद्वारे में स्वागत किया गया। बता दें राकेश टिकैत अरदास कार्यक्रम में शामिल हुए थे और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन भी किए थे। टिकैत ने किसानों से मुलाकात की और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। राकेश टिकैत ने कहा कि यूपी सरकार को झूठ बोलने का गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। उपलब्धियां तो मुख्यमंत्री ने गिनाई है लेकिन पहुंची कहीं भी नहीं। राकेश टिकैत ने कई हमले बीजेपी सरकार पर बोलते हुए कहा कि 2022 चुनाव में वैसा ही होगा जैसा जिला पंचायत के चुनाव में डीएम ने सभी बीजेपी प्रत्याशियों को सर्टिफिकेट जीत के दे दिए थे। एक आधा हुनर अजय सारे हम ही बताओगे कि एक आधा हुनर आप भी बता दो कैसे दबाव मानने भाई। एक आधी बात आप भी तो बता दो आगे की भूमिका क्या रहेगी। भूमिका यह रहेगी हमारा आंदोलन चलता रहेगा ऐसे ही शांतिपूर्ण तरीके से। ये 10 साल में भी मान नहीं हम क्या कहीं जा रहे। देश की आजादी का आंदोलन 90 वर्ष चला। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि उनकी सरकार दोबारा बनने वाली है। हाँ तो वे तो बिल्कुल ठीक कह रहे। वे झूठ कहाँ बोल रहे। जिला पंचायत में नहीं बनाए अपने। जनता वोट देगी नहीं लेकिन डीसी जो डीएम होगा वो सरपिटी का टूनी को देगा। जो विधायक चुनाव लड़ेगा उसके पर्चे कैंसिल होंगे। चुनाव की जरूरत ही नहीं रहने की। वो वैसे जीत जाएगा। जब किले का पर्चा रहेगा तो अपने आप ही जीत जाएगा। काम कहाँ ये कर रहे हैं। मैं भी चुनाव लड़ूंगा। मैं भी जब तुम्हारा पर्चा ही नहीं भरा जाए तो हम कहाँ से चुनाव लड़ोगे। शहरी समग्र विकास और नगरीय रोजगार और गरीब अन्मूल्य विभाग के राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता जालौन पहुंचे। उरई पहुंचकर उन्होंने ग्राम सरसोखी में कान्हा गौशाला का उद्घाटन किया। वहीं इसी के साथ राज्य मंत्री ने सरकार की उपलब्धियों का बखान भी किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन नगर पालिका उरई की तरफ से किया गया था। तो बता दें राज्य मंत्री वहां पर पहुंचे जालौन में जहाँ पर उन्होंने कान्हा गौशाला का उद्घाटन किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो बता दें सरकार की उपलब्धियों का भी बखान किया गया है। राज्य मंत्री की तरफ से जालौन राज्य मंत्री पहुंचे थे जहां पर उन्होंने गौशाला का उद्घाटन किया। साथ ही सरकार के उपलब्धियों का बखान भी किया। जनता के सामने सरकार की उपलब्धियों को रखा। बता दें योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए हैं जिसके तहत कल योगी सरकार ने रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने अपना पेश किया था और ऐसे में तमाम नेता तमाम सांसदों ने अलग अलग जिलों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा था। आज यहाँ पर उरई के अंदर थाना उपवन गौशाला शस्त्र का शुभारंभ किया है और आज हमारे सरकार के 4.5 वर्ष पूरे हुए हैं और यहाँ हमारे चेयरमैन साहब अनिल भवाना जी के द्वारा ये कार्यक्रम बहुत अच्छा आयोजित हुआ है और मैं कह सकता हूँ कि वास्तव में 4.5 वर्ष में कितने अच्छे कार्य हुए हैं। अगर देखा जाए तो एक ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हुई हैं जिसके अंदर अगर हम किसान के बारे में देखें तो किसान को कई तरह की सुविधाएं मिली हैं। किसान जो चाहे पहले कर्ज होता था उसका और वो यानी आत्महत्या को मजबूर होने हो जाता था और आज उसका जो ऋण माफ हुआ है किसानों का ऋण माफ हुआ। किसानों के बारे में कैसे उनकी तरक्की गन्ना का पेमेंट हुआ और भी बिल्कुल बहुत अच्छी तरह की कई योजनाएं हैं। मैं कह सकता हूँ आज बच्चों की पढ़ाई के बारे में देखिए। बिजनौर के सियोहारा के फैजलपुर में घर में चंद रुपयों की चोरी के लिए एक गरीब बुजुर्ग महिला को पड़ोस के ही रहने वाले नशेड़ी अपराधी ने गला घोट कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं मौका वारदात से कातिल चोर फरार हो गया था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल सर्वेलांस के जरिए आखिरकार पड़ोसी कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें पुलिस ने कातिल के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोप को जेल भेजने की कवायद में भी जुट गई है। तो बिजनौर का यह पूरा मामला है जहां पर चंद पैसों के लिए एक पड़ोसी ने बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी और इस हत्या की घटना को अंजाम दिया जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। थाना सोहारा में एक वृद्ध महिला की लगभग 80 वर्ष की 2 दिन पूर्व हत्या कर दी गई थी। उनके सिर पर चोट थी एवं गले में कपड़ा लपेटा हुआ था, गला घोटा गया था। सीसीटीवी कैमरा की फुटेज, फील्ड यूनिट, स्वास्थ्य सर्विलांस, स्थानीय
अध्यक्षों, SPRN और वहाँ के क्षेत्राधिकारी द्वारा 24 घंटे के अंदर घटना की लीड ले लिया एवं खुलासा किया गया। मोटिव यह था कि अभियुक्त द्वारा जो नशा करता था, छोटे सामान चुराने के लिए से घुसा था, क्योंकि महिला को जानता था, महिला जा गई, उनको पहचान लिया, पहले लकड़ी के अभियुक्त से हमला किया, फिर उन्होंने गला घोट दिया। पंचायत रावत पोस्टमार्टम की कार्रवाई, अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं अन्य विधिक कार्रवाई अमल में ला करके आज अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। वहीं मथुरा में माथुर चतुर्वेद परिषद द्वारा थर्मल थेरेपी की शुरुआत की गई, जिसके तहत माथुर चतुर्वेद संस्कृत विद्यालय के प्रांगण में आम जनमानस के लिए निःशुल्क थर्मल थेरेपी की जा रही है, जिससे आम जनमानस को लाभ मिल सके। बता दें कि इसका शुभारंभ माथुर चतुर्वेद परिषद के मुख्य संरक्षक महेश पाठक ने किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि आम व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर के नर्व सिस्टम को सही करने के लिए आधा घंटा जरूर निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी वो अपने कार्यों को सही रूप में कर सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों, आम जनमानस, पुलिस कर्मियों से भी अपील की कि वो निश्चिंत से अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए निशुल्क थर्मल थेरेपी कराएं। तो माथुर चतुर्वेद संस्कृत विद्यालय में ये निशुल्क थेरेपी की जाएगी लोगों की, जिससे लोगों को सुविधाएं बेहतर मिल सके और हर कोई थर्मल थेरेपी करा सके, इसीलिए ये मुफ्त थर्मल थेरेपी का शुभारंभ कर दिया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं, इसका शुभारंभ कर दिया गया है। अब से माथुर चतुर्वेद में थर्मल थेरेपी लोगों की फ्री में यानी कि निःशुल्क कराई जाएगी। तो उस जगह ये सेराजम थेरेपी का इंट्रोडक्शन हो रहा है, जो माथुर चतुर्वेद संस्कृत विद्यालय है, इसका भी निर्माण ऐसे ही सेवाभावी व्यक्ति ने किया कि यहाँ पर निःशुल्क संस्कृत की विद्या मिली। आज आप उसी प्रांगण में बैठे हैं जहाँ पर के जैसे प्रजापति ने बताया कि अगर आपकी काया स्वस्थ नहीं है तो आप कितना भी धन कमा लें, कितनी भी तरक्की कर लें, सब बेकार है। और जैसे इन्होंने आपको एक्सप्लेन किया कि हमारा आपका नर्वस सिस्टम अगर अच्छा है, आज आपने कोरोना काल भी देखा, वैसे भी बहुत सी बीमारियां आपके उठने बैठने खान पान से होती हैं, तो इन्होंने जो कहा कि हम निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। आगरा के कस्बा पिनाहट नगर पंचायत में जल भराव की समस्या से लोग परेशान हैं। जल भराव से मोहल्ले में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, ऐसे में जल जमाव से परेशान लोगों का कहना है कि कभी भी सफाई कर्मचारी सफाई करने के लिए नहीं पहुंचते हैं। वहीं गंदगी फैलने से लोगों को बीमारियों का डर भी सता रहा है। बता दें कि नगर पंचायत द्वारा कस्बा क्षेत्र में कीटनाशक दवाइयों का ना तो छिड़काव किया जा रहा है और ना ही गंदगी साफ की जा रही है, ऐसे में संदिग्ध बुखार के चलते दो बच्चों की जान भी जा चुकी है। पिनाहट कस्बा क्षेत्र के मोहल्ला नयापुरा चिचहा रोड का ये पूरा मामला है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी का सड़क पर अंबार लगा हुआ है और ऐसे में वहां के लोगों का साफ तौर पर आरोप है कि ना तो नगर पंचायत की तरफ से कोई कर्मचारी वहां पर सफाई के लिए पहुंचता है और इसीलिए बीमारियों का डर लोगों को सताता रहता है। बता दें यूपी में वायरल फीवर से अभी कई लोगों की और बच्चों की जान जा चुकी है और ऐसे में वायरल फीवर का कहर भी देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से ये गंदगी का अंबार लगा हुआ है और नगर निगम इसकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। भारत और उसके पड़ोसी देश नेपाल के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण आज से शुरू होने वाला है। बता दें अभ्यास में दोनों देशों की इन्फेंट्री बटालियन भाग लेगी और ऐसे में दोनों सेनाओं की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हथियारों से परिचित होने के साथ साथ दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के साथ प्रवर्त युद्ध रणनीति, आपदा सहायता, पहाड़ी इलाकों में बचाव और राहत कार्य दक्षता को साझा करेगी। साथ ही दोनों सेनाएं मानव सहायता विधियों, जंगल
युद्ध ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ी जाने वाली जंगें और आपदा राहत विधियों पर एक दूसरे के अनुभव को भी जानेंगे। इस अभ्यास में पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियान को लेकर 48 घंटे का विशेष कठिन अभ्यास भी शामिल है। बता दें, अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच इंटरऑपरेटिबिलिटी और साझा अनुभव विकसित करने की पहल का हिस्सा है। यह अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों में सुधार करेगा और देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। ऐसे में आखिरी सूर्य किरण अभ्यास 2019 में नेपाल में आयोजित किया गया था, जिसके बाद आज इसका 15वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। बता दें, 250 नए इंटर कॉलेजों के साथ काफी सारे प्राइमरी स्कूलों का कायाकल्प भी किया गया है और ऐसे में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए छात्रों को दूर न जाना पड़े, इसके लिए प्रदेश में 7 नए विश्वविद्यालय और 50 महाविद्यालय बनाए जा रहे हैं। ऐसे में 35 नए राजकीय ITI की स्थापना भी कर युवाओं के कौशल विकास के सपना पूरा किया जा रहा है। बता दें, यूपी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। 7 नए विश्वविद्यालयों और 50 डिग्री कॉलेजों के साथ लखनऊ में स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का निर्माण भी किया जा रहा है। बता दें, यहाँ पर फॉरेंसिक जांच के साथ ही छात्र फॉरेंसिक साइंस विषय में पढ़ाई कर सकेंगे और ऐसे में सीएम योगी ने कहा कि फॉरेंसिक जांच में महीनों लगते थे, लेकिन कमिश्नरी स्तर पर फॉरेंसिक और साइबर लैब स्थापित की गई है। इससे अपराधों से जुड़ी फॉरेंसिक जांचों में तेजी आएगी। वहीं प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को बेहतर पढ़ाई का माहौल देने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प भी शुरू हुआ है। इसमें बच्चों के लिए शौचालय, बैठने के लिए बेंच, आकर्षक शिक्षण कक्षाओं का निर्माण और ऐसे में सुविधा बढ़ाने के साथ ही स्कूलों में बच्चों की संख्या भी बढ़ी है। सरकार ने 250 नए इंटर कॉलेज शुरू किए हैं। शिक्षकों ने 5000 से ज्यादा नए पदों पर भर्ती कर कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता में इजाफा किया गया है। ऐसे में श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना कर गरीब बच्चों के सपनों को पूरा किया है। ऋषिकेश में गंगा आरती में बॉलीवुड अभिनेत्री डेजी शाह पहुंची। बता दें, डेजी शाह ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर पहुंची और गंगा आरती करने का उन्होंने फैसला किया। जानकारी के मुताबिक डेजी देहरादून में किसी उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए पहुंची थी। वहां से ऋषिकेश गंगा आरती में वो पहुंच गई। उन्होंने बताया कि गंगा आरती करके उनके मन की शांति उनको मिली और बहुत ही सुखद अनुभव रहा है और बता दें, ऐसे में लोगों की प्रशंसा करते हुए काफी खुश हो नजर आई। तस्वीरें देख सकते हैं, देहरादून डेजी शाह पहुंची थी किसी उद्घाटन समारोह में, उसके बाद उन्होंने ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर पहुंचकर गंगा आरती में भाग लिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। स्वामी